वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। हर एक जीवों का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बॉडी कहते हैं। उस स्पेशल स्ट्रक्चर या संरचना का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी की हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि अर्थ पर अभी तक जो ज्ञात है हमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ज्ञात हैं, जिसमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से ही एटम का फॉर्मेशन होता है। एटम यानी कि परमाणु। परमाणुओं में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब आते हैं। और 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिल करके अणु का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि HNO3, O3, H2O, CO2 एक्सेट्रा। ये मॉलिक्यूल्स या अणु मिल करके जीव द्रव्य का फॉर्मेशन करते हैं। जीव द्रव्य जीवित होने का एक मुख्य लक्षण है। किसी भी कोशिका के जीवित होने का ये उदाहरण होता है। अगर जीव द्रव्य नहीं है तो वह जीवित नहीं माना जाता है। जीव द्रव्य से ही सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कोशिका का फॉर्मेशन होता है। कोशिका को हम जीवों की इकाई यानी यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। एक ही प्रकार के कोशिकाएं जो कि संरचना और कार्य में समान होते हैं, वो मिल करके एक समूह बनाते हैं कोशिकाओं का, जिसे हम ऊतक कहते हैं, टीशू कहते हैं। टीशू से मिल करके ही ऑर्गन यानी कि अंग का फॉर्मेशन होता है, और कई प्रकार के अंग मिल करके या अनेक अंग मिल करके एक अंग तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं या बनाते हैं। अब अंग की बात करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में मुख होता है, जिह्वा होती है, आँत होता है, उदर होता है, हाथ होता है, ये सब जो अंग होते हैं, इन अंगों से मिल करके एक अंग तंत्र का फॉर्मेशन होता है, अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे जो तंत्र होते हैं ये कई अंगों से मिल करके बने होते हैं। अब कई अंग तंत्र मिल करके एक जीव का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। जीवों में हम बात करते हैं मानव की। एक मानव शरीर में 12 प्रकार के अंग तंत्र होते हैं। 12 प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर के एक जीव का संगठन होता है। जीव के बनने से अब हम देखते हैं कि कई प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन समान प्रकार के जीव जब एक स्थान पर एक समय पर पाए जाते हैं तो उन्हें हम जनसंख्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। और जब कई प्रकार की जनसंख्या या अलग अलग जीवों की जनसंख्या मिल करके एक स्थान पर एक जगह पर पाई जाती है तो उसे हम समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि गांव, हमारे विलेज, जो विलेज होते हैं, गांव हैं, वो एक कम्युनिटी होते हैं। जैसे कि गांव में मानव की जनसंख्या होती है, कुत्तों की जनसंख्या होती है, गाय की जनसंख्या होती है, पेड़ पौधों की जनसंख्या होती है, सारी जनसंख्या जो होती है उन सबको मिला करके ही एक समुदाय बनता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।